2019 में 2014 में मोदी जी का भाषण सुनकर मैं भी प्रभावित हुआ था, लेकिन सब जुमलेबाज भाषण है। और हम अभी किसानों की बात जो राहुल गांधी कर रहे हैं, जो कांग्रेस सरकार ने, जब भाजपा सरकार आई तब हमें पता चला कि कांग्रेस ने क्या किया था। हम भी यही सोच रहे थे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन सच में कांग्रेस ने जो किया था, हमारे स्कूल, हमारे अस्पताल, हमारे रस्ते सभी कांग्रेस ने दिए हुए, यहाँ की सब देन जो है हमारे साल भाजपा को देखने के बाद पता चला कांग्रेस कैसी थी। वही तो, जब क्या काम करा, जब हम पता चला, पता चला सब, पता चला शासन देखने के बाद पता चला कि भाजपा कैसी है। अच्छा। और कांग्रेस ने क्या किया था। हाँ। जो सभी देन है हमारे, आज जो सड़कें बनी है या ट्रांसपोर्ट है, कांदा मार्केट है, सब है, वो सभी कांग्रेस की देन है। हमारे यहाँ शुगर फैक्ट्री लगी, हमारे यहाँ सभी जो इंडस्ट्री, नासिक जिले में जो MIDC बनी, सभी कांग्रेस की देन है। लोग कहते हैं, भाजपा के लोग कहते हैं ना, 70 सालों में कांग्रेस ने देश को लूटा है। वही तो, हम भी उनके बहकावे में आए थे, हम भी उनके बहकावे में आए थे। हाँ, लेकिन आज नौजवानों के बाद हमारे यहाँ के जो किसानों के बच्चे हैं, जो फौज में भर्ती होते थे, आज अग्निवीर योजना लाके जो हक की जो नौकरी थी किसानों की, बच्चों की, वो खत्म कर दिए। 4 साल की अग्निवीर योजना हमें पसंद नहीं। हमारे किसानों की एक ही नौकरी थी, सरकारी नौकरी, जो किसानों के बच्चे, ना किसी उद्योगपति का बच्चा जा रहा था, ना किसी IPS अधिकारी का बच्चा जा रहा था। 2024 में परिवर्तन करने के मूड में 100% दो बार दिया, तीसरी बार नहीं। अब दो बार लेकिन दिया। अब की बार मोदी तड़ी पार, अभी उसे इस देश से तड़ी पार कर दे। दो बार हमने समर्थन दिया ना भाजपा को, दिया था, वो गलती हो गई, हम मानते हो गई, हम मानते हैं गलती हो गई। अच्छा। हम उनके बहकावे में आए थे, भाजपा को वोट किया, गलती हो गई। हमारे बुजुर्ग आदमी, हम घर के आदमी हमें बता रहे थे, हमारे पिताजी बोल रहे थे, अरे कांग्रेस ने अच्छा किया। हम बोले नहीं, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। लेकिन आज हमें पता चल रहा है कि जो देन है, ये हमारे आजू बाजू जो है, वो सभी कांग्रेस की देन है। BJP का एक भी यहाँ पे कुछ काम नहीं है किया है, खाली वो भाजपा के लोग। अब तो कह रहे ना, 10 सालों में मोदी जी ने बदल दिया देश को। वो आप मीडिया वाले बोल रहे थे, आपका मीडिया का काम है, मीडिया ने ही उसको सर पे बिठा के रखा है। वो आप मीडिया वालों की वजह से, आपके मीडिया वालों की वजह से मोदी दिखता है। नहीं तो मोदी का काम, उन्होंने वोट मांगना है ना, काम पे मांगना चाहिए। ये राम मंदिर पे वोट क्यों मांग रहे हैं? हाँ, राम मंदिर पे नहीं वोट माना, राम तो इधर भी है, राम अयोध्या में है, हम इधर। हाँ, जय श्री राम, श्री राम जी की लगे। देखो बराबर है, तो भाजपा को वोट करेंगे नहीं करेंगे। राहुल गांधी को वोट करेंगे, राहुल गांधी की तरफ। तीसरी बार नहीं, ये ना राम, ये इतना ज्यादा ये नाम का, जब छोड़े थे तब बुधवार। अभी क्या चाहते हैं? तो कह रहे हैं कि हम फंस गए, दो बार भाजपा को वोट किया, फंस गए, अब बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहिए, अब चाहिए बदलाव, बिल्कुल बदलाव चाहिए। निकाल दो, लेकिन ये लाइव जाता ही नहीं है ना, डालेंगे ना वीडियो आपका। मैनेजर, सब मीडिया मैनेजर, आपका मैं वीडियो डालूंगा, आप बोलिए, डालूंगा। राहुल जी आए, शरद पवार जी आए, संजय राउत जी आए, कोई लाइव नहीं जा रहा है, सब मीडिया मैनेजर।